नादरा ने 29 हलकों को कह दिए कि वहां पे धांधली हुई है, मशकूक करार दे दिए। उन्होंने कहा है कि या तो दूसरे हलकों के वहां पे शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुए या जाली वोट डले हैं या अंगूठों के निशान नहीं है। 29 हलके और उसमें से 15 हलके जो है वो कौमी असेंबली के हैं, ठीक है, और उसमें नहीं, उसमें 15 हलके जो है गालिबन वो नवाज के हैं, मुस्लिम लीग नवाज के हैं 15 हलके, और उसमें पीटीआई के भी कुछ हलके हैं, एक हलका एमक्यूएम का है, लेकिन 29 हलकों पे कौमी और सूबाई असेंबली के, मैं एग्जैक्ट उसमें देख लेता हूँ कि कितने हैं उसमें, 13 कौमी असेंबली के, सॉरी 13 और 16, 29 में से 13 कौमी के, 13 कौमी असेंबली के और सूबाई के 16, और 15 उसमें से नवाज शरीफ साहब के हलके हैं, 6 पीपल्स पार्टी, 4 एमकेएम और पीटीआई और फंक्शनल लीग के। 29 हलकों पे धांधली, और शेख रशीद और इमरान खान का ये स्टांस है कि अगर एक पर भी धांधली साबित हो गई तो पूरा इलेक्शन डाउटफुल हो जाएगा, ये उनका स्टांस है। और एक वो 4 की बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे 4, ये 15 के बारे में नादरा ने कह दिया कि मशकूक है, यानी ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है। यानी इमरान खान का जो पॉइंट था ना कि 4 करवाओ, 4 बाद नादरा ने जो है वो 29 दे दिया, जिसमें से 15 जो है वो नवाज शरीफ साहब के। यानी आप देखें ना, एक अजीब एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इमरान खान 4 की बात कर रहे थे, उन्होंने 29 को कर दिया।